कामनाओं। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद का दिन इसी माह में यानी रबीउल अव्वल में है। इसी मौके पर हम एक तकरीब मना रहे हैं जिसका मकसद सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर नज़र-ए-सानी करना है, न कि इसको रिवाजतन जलसा या तकरीब कराना मकसूद है। आइए चंद जुमलों में मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में गोयाले करने की हिम्मत कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हजरत गौर समाप्त करोगे। आज से 1400 साल पहले अरब ममालिक में एक अजीम हस्ती का नुज़ूल हुआ जो तालीमात हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हयात में मिली है। अगर इन तालीमात पर हम अमल करते हैं तो हमारी दोनों जहां की जिंदगी कामयाबी और कामरानी से गुजर सकती है। आज दुनिया वालों ने बहुत तरक्की कर ली है पर आज भी हम दुनिया की तरक्की को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाए। जब भी साइंस तरक्की का दावा करती है इसका जिक्र हमें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बता कर गए हैं। ऐसा कौन सा शोबा नहीं जिसकी तालीमात हमें मिली नहीं। तमाम तर तालीमात और अमल पैरवा करके बताने वाले ही पूरी कायनात के लिए हिदायत का जरिया बनने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने में ही दीन और दुनिया की कामयाबी का आसान और सहल रास्ता मुझे नजर आता है। वो कौन कौन सी तालीमात है? इन तालीमात को हम कुरान और हदीस की रोशनी किताबों से हासिल कर सकते हैं। मेरी तकरीर सिर्फ इशारा करने ही वाली है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी से कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं और दुनिया के साथ साथ आखिरत की जिंदगी संवारते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।